देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जिला रेवाड़ी में पिछले 9 महीने से स्कूलों पर ताले लटके हैं, जिसके चलते न केवल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा बल्कि अध्यापकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी कड़ी में निजी स्कूल एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री से SDM को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि 10 दिसंबर के बाद स्कूल बंद रखने का कोई फैसला न लिया जाए और तुरंत प्रभाव से सभी निजी स्कूल को खोलने की अनुमति दी जाए, अन्यथा यह स्कूल जरूर खोलेंगे और अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार की ही होगी। हम सब आज जो है सड़कों के ऊपर उतरे हैं, चेयरमैन, स्कूल प्रिंसिपल और उनके स्टाफ बहुत मामूली बुलाए हैं। अगर ये स्कूल फिर से छुट्टियां बढ़ा दी गई 10 दिसंबर के बाद, हम अगला कदम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगला जो कदम उठाएंगे उसकी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी, स्कूलों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए जवाब की मांग की है कि जब कोरोना काल में विवाह शादियां हो सकती हैं, चुनाव हो सकते हैं, किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में शासन प्रशासन और किसान आ सकते हैं, तो फिर स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ सकते। कोरोना स्कूल से नहीं फैलता। आज मॉल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, बाजार है, बिग बाजार है, राजनीतिक रैलियां हैं, सब प्रकार के चुनाव हैं, बड़ी बड़ी लाखों में रैलियां हो रही है, उसके बावजूद स्कूलों के ऊपर अंकुश को, स्कूलों को बर्बाद करने पर प्रशासन और सरकार क्यों तुली हुई है। उन्होंने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के सवाल पर कहा कि सभी स्कूल कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया तो बोले कोरोना है ही नहीं तो फिर मास्क किस लिए। जो अपने आप में प्रोटेस्ट कर रहे इन अध्यापकों की सोच पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। रेवाड़ी से वी न्यूज के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट।